व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नासिक सीरीज़ के फोर्थ और लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हम आ गए हैं MTDC बोट क्लब। हमारे साथ हिट ये हो गई है कि यहाँ पे बोटिंग बंद है। अभी हम अभी यहाँ पे सिर्फ सनसेट का व्यू एंजॉय करेंगे और कैफेटेरिया में कुछ ना कुछ खाएंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करके चले जाएंगे। सब पैक कर दो। अच्छा, यही बोट्स है ना? हाँ। चलो, वैसे यहाँ के सनसेट के बारे में काफ़ी सुना था तो हमने सोचा चलो अपन टाइम से पहुँच गए, सनसेट अभी हुआ नहीं है। हमारा रास्ता गलत हो गया। इन्होंने MTDC बोट क्लब सर्च करने की बजाय सिर्फ बोट क्लब सर्च कर लिया और वो हमें 15 किलोमीटर दूर ले गई गूगल आंटी। तो फिर पहली बार ही ऐसा हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं ही गाइड करती हूँ वुमेन। और उसके बाद फिर मैंने अपने फ़ोन में सर्च किया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर बता रहा था। सनसेट होने में भी आधा घंटा है, तब तक कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे खा लें कुछ? चलो, बहुत भूख लग रही है। हाँ, बहुत भूख लग रही थी तो पीछे कैफ़े है, वहाँ से हमने कुछ कुछ ऑर्डर किया और जब तक सनसेट नहीं होता तब तक यहाँ पे बैठ के अपनी मील एंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है। अभी जस्ट सनसेट हुआ है सामने और जितनी देर मतलब सनसेट हो रहा था मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया। हम लोग बस दोनों यहाँ पे बैठ के और सनसेट एंजॉय कर रहे थे और अच्छी प्लेस है यार ये। यहाँ पे वैसे बोटिंग होती है बट अभी 4 महीने बंद रहती है बोटिंग और जो बोट्स है वो आपको एकदम एंड तक ले जाती है सनसेट दिखाने के लिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और हम भी वही देख के आए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बोटिंग बंद है। आज नहीं, हाँ मतलब अभी तक बंद ही है, वो जो 4 महीने बंद रहती है ना तो अभी तक बंद ही है। और उधर तो बिल्कुल एकदम कोहरा हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये देखो अभी क्या हिट हुई है, 11 लीटर का इसका टैंक है और भैया ने 11 लीटर पेट्रोल डाल दिया जबकि 1 लीटर इसमें और डाला था पेट्रोल। बहुत बढ़िया। हम लोग MTDC बोट क्लब से घूम के आ गए और आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है नासिक में और कल सुबह हमें इंदौर के लिए निकलना है तो अभी हम डिनर करके जल्दी से सो जाएंगे। उसके अंदर इतना पेट्रोल था कि 50 किलोमीटर गाड़ी चल जाती। आपने फिर 11 लीटर कैसे डाल दिया उसको? अभी सबसे बड़ा टास्क ये है कि इस वाले बैग को यहाँ टॉप रैक पे फिट करना, लेकिन उसके पहले ना कुछ कुछ एक्सेसरीज इसकी लूज हो रही है तो वो मैं LNG लाया हूँ तो उससे टाइट कर लूंगा।
टाइम टू से गुड बाय टू नासिक, और हम नासिक से निकल रहे हैं। ये हमारा होटल था नासिक का, और बैग हमारा बन गया है यहाँ पे, गाड़ी हमारी वार्म अप हो गई है, और ये भैया थे होटल में जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी होटल की। होटल का नाम है होटल अयोध्या। तो बस निकलते हैं अब, डायरेक्ट 100-200 किलोमीटर का ब्रेक लेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, और उसके बाद शाम तक आएगा सिंदौर पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे रोड पर। अभी जस्ट हम होटल से बाहर निकले हैं, टाइम हुआ है 8:30। आते टाइम हमें त्र्यंबकेश्वर में जाना था, और वो नई जगह थी, तो सोचा कि अगर टाइम से पहुंच जाएंगे तो सही रहेगा। बट अभी पता है कि हमें घर ही जाना है, तो हम लोग थोड़ा लेट ही निकले 8:30, और 5 के आसपास हम लोग इंदौर पहुंच जाएंगे। नासिक सिटी क्रॉस करने में अभी थोड़ा 10-15 मिनट लगेंगे, क्योंकि आगे ट्रैफिक बहुत होता है। और एक बार नासिक सिटी क्रॉस कर लिया, उसके बाद तो फिर हाईवे है पूरा। चाय ब्रेक, फर्स्ट ब्रेक लिया हमने 1-1.5 घंटे बाद। पहले हमने सोचा था कि वहीं से चाय पी के निकले, लेकिन फिर ऐसा लगा कि चलो थोड़ी आगे जाके फिर ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा, गाड़ी को भी थोड़ा आराम देना पड़ता है। चलो चाय पीते हैं और फिर थोड़ी देर रुक के फिर निकलते हैं आगे। मेरे आगे जो ये फोर्स मोटर की जो ट्रैवलर बस चल रही है, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो ऑब्वियसली ये बाहर से इंपोर्ट की गई है, और इस पर लिखा है ऑन टेस्ट, मतलब ये यहाँ टेस्ट हो रही होगी। अगर इनको अच्छी लगेगी तो फिर इंडिया में भी राइट हैंड ड्राइव में ये लॉन्च करेंगे। कंटिन्यू 200 किलोमीटर खींच ली मैंने गाड़ी, भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा अब आगे चल के ही कहीं रोकेंगे, लेकिन बहुत देर से भूख लग रही है, तो अब कोई रेस्टोरेंट नहीं आ रहा। इंदौर यहाँ से रह गया है 150 किलोमीटर, टाइम हो गया है 1:20, खाना खा के फिर 1.5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। बहुत देर के बाद एक रेस्टोरेंट दिखा, और आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड देखा होगा तो ये रेस्टोरेंट देख के आपको याद आ गया होगा कि हम जब इंदौर से निकले थे तो हमने यहीं पे ब्रेकफास्ट किया था। अरे अकेले जाने का इरादा है क्या? लंच करके हम लोग निकल गए हैं, और इंदौर का जो डिस्टेंस है वो अब रह गया है 100 किलोमीटर्स। गरम हो गया है, ठीक है, गला तो गीला हो रहा है। इसका ढक्कन कहाँ का ढक्कन? गहरा ढक्कन लगा लो इसमें, दो ढक्कन ढक्कन दो। अरे वाह, बहुत बहुत टाइम के बाद देखने को मिलते हैं ऊंट। फाइनली हम पहुंच गए इंदौर। इंदौर का टोल है, हमने कर लिया है इंदौर में एंटर। क्या फीलिंग है यार, बस कुछ देर और हम पहुंच जाएंगे अपने घर। 15-20 मिनट और लगेंगे और हमारी ये राइड हो जाएगी कंप्लीट। पहुंच गए वहीं जहां से स्टार्ट किया था। अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। तो मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।